स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस YouTube चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आपने फिल्मों में अक्सर ही देखा होगा कि जब भी वहाँ कोई कोर्ट केस की सीन आती है तो उसमें जब गवाही का समय होता है तो विलन क्या करता है, विलन ऐसे में उस गवाह के किसी करीबी रिश्तेदार को किडनैप करवा लेता है और फिर उस गवाह को धमकी देता है कि अगर वह कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ कोई भी बयान कहेगा, कोई भी बात रखेगा, तो ऐसे में वो उसके जो करीबी रिश्तेदार जिसे उसने किडनैप किया था उसको मरवा देगा। तो फिर क्या, डर के मारे वो बेचारा गवाह मजबूरन कोर्ट में जाकर झूठ बोलता है और विलन ऐसे में बच जाता है, लेकिन जो निर्दोष होता है उसको सजा मिल जाती है। और हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो फिल्में होती है वो हमारे समाज का ही दर्पण होता है। समाज में अक्सर ही अपराधी ऐसा ही करते हैं, वो किसी गवाह को डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे झूठी गवाही कोर्ट में दिलवा लेते हैं और खुद को बचा लेते हैं। जिसे रोकने के लिए सरकार ने IPC में, जो हमारा इंडियन पिनल कोड है, उसमें साल 2006 में अमेंडमेंट करके एक नया सेक्शन जोड़ा था। उसका नाम था सेक्शन 195A। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर कोई शपथ लेने के बाद झूठी गवाही देता है, कोई अपने झूठे बयान देता है, तो उसे कितनी सजा मिलेगी, हमने उस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम उसी वीडियो की कड़ी को, उसी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर कोई व्यक्ति झूठे बयान देने के लिए, झूठे सबूत देने के लिए किसी को डराता है या धमकाता है, तो उस व्यक्ति को जो किसी को डरा रहा है उसको कितनी सजा मिल सकती है। तो साथियों, जैसा कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर इसे पढ़ भी सकते हैं, IPC की धारा 195A सेक्शन 195A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर उसकी खुद की जान या उसकी रेपुटेशन या उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है या फिर उसके किसी करीबी की जान और रेपुटेशन को हानि पहुंचाने के लिए धमकाता है ताकि वह कोर्ट में जाकर झूठी गवाही दे, तो उस व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है उसे IPC की धारा 195A के तहत 7 साल तक का कारावास और जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। और इसी धारा का जो सेकंड पैरा है वो बताता है कि अगर उस झूठी गवाही के कारण किसी निर्दोष को 7 साल से ज्यादा की सजा होती है या फिर मृत्यु दंड मिलता है और बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति निर्दोष था, तो जो अपराधी है जिसने डराकर झूठी गवाही दिलवाई थी उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उस निर्दोष को मिली थी। इसके अलावा आपको बता दे, ये जो अपराध है ये एक संगीन अपराध है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल भी। साथ ही ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस भी है, जिसमें समझौता करने के बाद भी अपने केस को वापस नहीं लिया जा सकता। तो आशा है दोस्तों कि आज की हमारी ये जानकारी आपको समझ आई होगी और आपके काम भी जरूर आएगी। अगर इससे जुड़ी कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।